आज भितरवार विधानसभा क्षेत्र के घाटी गांव में सहरिया आदिवासी समाज के विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे, जिनका जनसेवक मोहन सिंह राठौर और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और साथ ही समस्त कार्यकर्ता और सहरिया आदिवासी समाज के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सहरिया समाज के लोगों ने माननीय सिंधिया जी से अपनी कई मांगे उनके सामने रखी, जिसके बाद जनसेवक मोहन सिंह राठौर ने जनता को संबोधित किया है। संबोधित करते हुए उन्होंने सबसे पहले माननीय सिंधिया जी का स्वागत किया है और कहा है कि आप सहरिया समाज के सम्मेलन में पधारे हैं, जनता आपसे काफी ज्यादा खुश है और मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही मोहन सिंह राठौर जी ने भ्रष्ट लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग सहरिया समाज के लोगों की जमीन पर से उनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मांग की है कि इनकी जमीनों को पूर्ण रूप से दिलाने का काम जरूर करवाएं। मोहन सिंह राठौर जी ने कहा कि आदिवासी समाज आपका है और आपका ही रहेगा। इस बार के चुनाव में शोषण करने वालों को सहरिया समाज जरूर जवाब देगा। वहीं सबकी सुनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभा को संबोधित भी किया है। सभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी जनता का आभार व्यक्त किया, वहीं आदिवासी भाई और बहनों को उनकी महत्वता बताई। साथ ही कहा कि आदिवासी लोगों का देश के में कितना ज्यादा योगदान भी है, जिसके बाद उन्होंने जनसेवक मोहन सिंह राठौर के हित में कई बातें कही। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जनसेवक मोहन सिंह राठौर जी को कहा कि वो क्षेत्र के जागरूक जनसेवक हैं और हमेशा जनता के हित के लिए कार्य करते आते हैं। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभा को संबोधित करते हुए पार्टी की कई जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में भी चर्चा की है। साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि पूरे देश के अंदर 700 एकलव्य विद्यालय बनेंगे और इन विद्यालयों में 40,000 शिक्षकों को भर्ती करेंगे और सभी आदिवासी समाज के विकास के लिए 15,000 करोड़ की योजना भी बनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा आदिवासी समाज के लोगों के हित में कार्य करते आते हैं और हमेशा उनका उत्थान कैसे हो इसी विषय पर चर्चा अवश्य होती है। इस सभा में हजारों की संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे और सभी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम योगदान दिया कि अगर आज भारत विश्व पटल पर शिखर पर एक सितारे की तरह चमक रहा है तो उस चमक की रोशनी में मेरे कश्मीर से कन्याकुमारी और मेरे गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के मेरे आदिवासी समूह के एक एक जन जन की चमक की झलक है मेरे भाइयों। मेरा आदिवासी समाज एक गरीब समाज नहीं है। गरीब का मूल्यांकन पैसे से नहीं की जाती, धन दौलत से नहीं की जाती। गरीब और मेरी आदिवासी समाज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि मेरी आदिवासी समाज अगर भारत माता के फूल के माले में अनेक तरीके के फूल हैं तो उन फूलों में से सबसे बेहतरीन रंग और महक अगर किसी समाज की होगी तो वो खुशबू मेरी आदिवासी समाज की। आज का ये पूरा सहरिया समाज जो यहां एकत्रित है इनका दर्द जायज है। यहां बहुत सारे लोगों के पे बहुत सारी जमीनें हैं, लेकिन जंगल में जो जमीन 50-50 साल से 60-60 साल से आदिवासी जोते थे, खेती कर रहे थे, आज वन विभाग के कुछ अधिकारी उनको विस्थापित कर रहे हैं, उनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। गरीब जाति है, इनका कोई ट्रैक्टर से जोतने जाता है तो उसका ट्रैक्टर जब्त कर लेते हैं,
और कोई बड़ा चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है महाराज। इसके लिए आप केवल डीएफओ और यहाँ सीएफ हैं, उनको कहें कि जो पुराने शहरी समाज के लोग जमीनों पर काबिज हैं, उनको कोई भी अधिकारी कर्मचारी डिस्टर्ब न करे। ये मेरा आज इस मंच से अनुरोध है। आज से करीबन 25 साल पहले ऐसे ही नएपुरा पर इनकी जमीन और इनका पूरा पूरा हटाने के लिए फॉरेस्ट ने शुरुआत की थी। स्वर्गीय महाराज माधवराव सिंधिया जी, उनका आशीर्वाद मेरे पास था। मैं उस वक्त युवा का अध्यक्ष रहा करता था। हम लोगों ने महाराज आंदोलन किया, आज वही नयापुरा और वो जमीन उनके पास है, लेकिन उनको भी ये फॉरेस्ट के लोग हटा रहे और उस जमीन का फॉरेस्ट और रेवेन्यू का कई बार सीमांकन हो गया है, लेकिन ये जो कर रहे हैं उससे नुकसान है महाराज। इस पे आपकी मैं दृष्टि चाहता हूं। इसके साथ ही आरोन तिराहे पर एक सबरी माता का बहुत पुराना मंदिर है, छोटा सा चबूतरा है, पूरे इस क्षेत्र के आदिवासी समाज का आस्था का केंद्र है, बल्कि मैं कहता हूं पूरा ग्वालियर जिला, ग्वालियर चंबल संभाग का सहरिया समाज उस सबरी माता के उस आश्रम को मंदिर के रूप में परिवर्तित कराना चाहता है। आप मेरी बात से सहमत है तो जोरदार तालियों से समर्थन दें।